कुछ न कुछ मिलता जरूर है। घर को चलाने वाली तो नारियां हैं, कमाने वाला आदमी है, घर का ड्राइवर है इंसान, तो घर को सजाने वाली नारियां हैं। सीता जी विचार चाहेंगी, ये बाबा खड़ा दरवाजे पर भीख मांग रहा है, यहाँ कोई अनाज तो है नहीं, क्योंकि माता कैकेयी ने वरदान भी ऐसा दिया है कि राम जी 14 वर्ष जंगल में रहें और खाएं क्या। 14 वर्ष राम बन जाए और कंद मूल फल बन फल खाए। जंगल में रह करके कंद मूल फल फलों को खा सकते हैं, अनाज नहीं कर भोजन नहीं कर सकते, ये माता कैकेयी का वरदान। तो सीता जी ने विचार किया, ये बाबा आया है भीख मांग रहा है, यहाँ हर गई क्या है, अनाज तो है नहीं, लाओ फल रखे हैं, लेकर के चली, लेकर के चली भैया। लेकिन जो लक्ष्मण जी रेखा खींच गए थे, वो रेखा के अंदर ही नहीं बाहर नहीं निकली। घर की मर्यादा होती, माताएं भी हमारी एक मर्यादित हैं, जहां तक हो सकता है कोई बाहरी इंसान अगर आ जाता है तो देहरी तक सीमा है, देहरी के बाहर सीमा नहीं होती है? कोई बाहरी इंसान अगर आ जाता है, आदमी घर में नहीं है तो देहरी तक तो सीमा है, लेकिन देहरी के बाहर लांघने की मर्यादा नहीं। सीता जी लेकर के कंदमूल भर आई, निकली डलिया में। क्या कहता रावण, द्वारे भिखारी खड़ा भिक्षा निकाल, द्वारे भिखारी खड़ा भिक्षा निकाल, द्वारे भिखारी खड़ा भिक्षा निकाल, द्वारे भिखारी खड़ा भिक्षा निकाल दे, द्वारे भिखारी खड़ा भिक्षा निकाल दे, की चुटकी मैया डोली में डाल दे, की चुटकी मैया डोली में डाल दे, की चुटकी मैया डोली में डाल दे, सीता जी कंदमूल फल लेकर के आई। रावण आगे बढ़ा, लेकिन रेखा के बाहर जैसे पहुंचा, भिक्षा लेने को छलिया ने जो ही कदम बढ़ाया, जो ही कदम बढ़ाया, ज्वाला निकली रेखा से लक्ष्मण ने जिसे बनाया बनाया। जैसे रावण आगे बढ़ा, रेखा के समीप पहुंचा, एकदम अग्नि निकल पड़ी जल्दी, रावण पीछे हटा। भिक्षा लेने को छलिया ने जो ही कदम बढ़ाया, जो ही कदम बढ़ाया, ज्वाला निकली रेखा से लक्ष्मण ने जिसे बनाया बनाया, पीछे को भागा झोली, पीछे को भागा झोली कंधे पे डाल के, चुटकी मैया झोली में डाल के, ये भिक्षा नहीं लेंगे, अगर भिक्षा देना है तो इस रेखा के बाहर आओ। क्या बोला रावण, बंधी भीख में लेता नहीं, चाहे वापस जाऊं, चाहे वापस जाऊं, कुटिया रेखा बाहर जब तुम निकलो तब मैं भिक्षा पाऊं पाऊं। रावण बोला ऐसे भिक्षा नहीं लूंगा, अगर तुम्हें भीख देना है तो रेखा के बाहर आओ, तेरी ये रेखा इसके बाहर निकलो तब भीख लेंगे, ये बंधी भीख नहीं लेता हूं। बंधी भीख में लेता नहीं, चाहे वापिस जाऊं, चाहे वापिस जाऊं, रेखा बाहर जब तुम निकलो तब मैं भेजा पाऊं पाऊं।
रेखा के बाहर अगर भीग देना तो बाहर निकलो। अब सीता जी बड़े असमंजस में पड़ गई। ये बाबा कहता कि रेखा के बाहर निकलो, और हमारे छोटे भैया देवर हमसे क्या कह गए, रेखा खींचते हुए क्या कह गए थे हमसे। सीता जी बोली, बाबा कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, मेरे देवर कसम दे गए। बाहर निकलो, लेकिन हमारे छोटे भैया देवर कह गए थे, मां 100 बार कह गए, मां रेखा के बाहर मत जाना, चाहे कुछ हो जाए। कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, हमसे 100 बार कहकर गए हैं, रेखा का करना हमसे 100 बार कह के गए हैं, रेखा का करना हमसे 100 बार कह के गए। कैसे करें, तुम कह रहे हो रेखा के बाहर निकलो, लेकिन हमारे छोटे भैया देवर कह गए 100 बार सौगंध रखे गए हैं कि मैया चाहे कुछ हो जाए लेकिन रेखा के बाहर मत जाना। 100 बार कह के गए हैं क्या भैया? लोग कहा करते हैं, लाइन है। लक्ष्मण जी कह गए थे माता सीता से, मां मैं जात रहा हूं जहां तुम भेज रही हो, लेकिन याद रखना कि साची कहे मोरे आवन से पहले। मैया मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, हम जात रहे जहां तुम भेज रही हो, भैया के पास जा रहा हूं, लेकिन याद रखना मैया जब तक हम वापस ना आवे। साची कहे मोरे आवन से पहले, निकलो ना रेखा के पार मैया, हो मैया सुनो मां, हमारा धर्म क्या है? भैया की सेवा मैया की पूजा, भैया की सेवा मैया की पूजा, और नहीं है मेरो धर्म ये दूजा, और नहीं है मेरो धर्म ये दूजा। अरे मानो ये इतना समाज मैया, ओ मैया जी बोली, बाबा अब हम कैसे निकले, बड़ी असमंजस में पड़ गई हूं, अगर भीख नहीं दे रही हूं तो पतिव्रता का नाम संसार से हट रहा जा रहा है, यही लोग कहेंगे। सीता जी मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धर्म पत्नी,
इतने बड़े धर्म धर्मात्मा की पत्नी और एक भिखारी को भीख नहीं दे सकी। नारी का यह धर्म नहीं है, इसलिए और मेरे देवर कह गए थे निकलना मत, अब हम क्या करें। तो राण बोला ठीक है तुम ना निकलो तो मैं जा रहा हूं। रावण पीछे जाने लगा वैसे सीता जी ने विचार किया पतिव्रता का धर्म निभाऊंगी, अब लक्ष्मण की आन रहे न रहे बाबा का धर्म निभाऊंगी। चाहे कुछ हो जाए लक्ष्मण की बात रहे न रहे लेकिन बाबा की बात रहेगी। जैसे सीता जी इतना सोच करके रेखा के बाहर निकली, वो तो रावण है नकली भेष में। क्या होता है, क्या होता भैया, मांगी भीख रे खत की अकड़ा, कंदमूल फंडलिया में लेकर के निकली, वो तो रावण ही है अपने असली भेष में आ गया। सीता का हाथ पकड़ता है और हाथ पकड़ करके रथ में बिठा लेता है, जबरदस्ती लंका की ओर ले चलता है। अरे छलक करी हरी सिया महारानी, सीता जी को छल से हरण करके रथ में बिठा लेता है, लंका की ओर आ रहा है, रथ में बिठाए। अब सीता जी रोकती हैं, रो रही हैं। भक्त लोग एक पद गाते हैं, भैया लोग एक पद गाते हैं, राजा रावण की चोरी में, राजा रावण की चोरी में सीता सी गुजरिया लूटी गई, राजा रावण की चोरी में सीता सी गुजरिया लूटी गई, राजा रावण की चोरी में सीता सी गुजरिया लूटी गई। दशरथ भी लूटे को सिल्ला लूटी, अरे अवध नगरिया लूटी गई, दशरथ भी लूटे को सिल्ला लूटी, अरे अवध नगरिया लूटी गई, राजा रावण की चोरी सी गुजरिया लूटी गई, राजा रावण की चोरी में सी गुजरिया लूटी गई, राजा रावण की चोरी में सी गुजरिया लूटी गई, दशरथ भी लूटे कौशल्या लूटी, अरे अवध नगरी
जी ने जब सोने का मेरे गा देखा तो जनक दुलरिया जी रोती जा रही है, रोती बिलखती जा रही रथ में। रावण रथ लेकर के कहां पहुंचा? किष्कंधा पर्वत के ऊपर। वहां पर सुग्रीव अपनी बाणी सेना के सहित किष्कंधा पर्वत पर बैठे थे और सीता जी हाल चमण हाराम यही कहती जा रही है। भैया लोग तो पद गाया करते हैं, एक लाइन बोल रहा हूं, कहती है सीता जी रोई अपने हो, सीता जी रोई अपने राम को पुकार के, राम नाही लौटे हाय जा रही सीता जी रथ में। किष्कंधा पर्वत पर सुग्रीव अपनी बाणी सेना के साथ बैठे थे। जब नारी दुख में होती है तो चाहे कितनो आभूषण पहने हो, सोने चांदी के गहने पहने हो, अगर विकट दुख है तो गहने ये भार हो जाते हैं, भार लगते हैं। सीता जी ने जब किष्कंधा पर्वत पर बाणी सेना के सहित सुग्रीव को बैठे देखा तो आकाश मार्ग से गिरी पर बैठे कपिन निहारी, गिरी पर बैठे कपिन निहारी, गिरी पर बैठे कपिन निहारी, हरि नाम कई हरि नाम दीन पट डारी, कई हरि नाम दीन पट डारी, कई हरि नाम दीन पट डारी। आज सीता जी ने जैसे सुग्रीव को बैठे देखा, आज भगवान का नाम लेकर के कुछ आभूषण नीचे गिरा दी। जा रही रोते बिलखते सीता जी, आगे बढ़ा रावण। जैसे आकाश मार्ग में आगे बढ़ा, सीता की ये दुख भरी आवाज सुना किसने? सीता की ये दुख भरी आवाज किसने सुना? भैया गीधरा जया रथ सुन बानी, गीधरा जया रघुकुल तिलक नारी पहिन
संसार में जिस समय सीता जी रोती किसी औरत को के ऊपर कोई विकट दुख पड़े और रोती चिल्लाती जा रही हो संसार में उसकी आवाज को कोई सुनने वाला नहीं होगा क्या? संसार के जितने जीव चराचर के पशु पक्षी इंसान हैं आखिर आवाज तो किसी ने सुना ही होगा, लेकिन छुड़ाने कोई आया है? छुड़ाने कोई परसार्थ कमाने आया? एक राम की धर्म पत्नी, संसार की जगत माता, विश्व की माता, आज रावण हरण करके ले जा रहा है, रो रही है, लेकिन संसार के इतने प्राणी थे सबने सुना लेकिन रोकने कोई नहीं आया, किसी ने हिम्मत नहीं थी, क्योंकि इतना बलवान रावण है, जब देवता उससे डरते हैं तो हिम्मत किसकी? जब कोई नहीं आया ये दुख भरी आवाज गीधरा जटाई एक पक्षी ने सुना, ये तो भगवान की धर्म पत्नी माता जी हैं। अरे सोचा कोई बात नहीं, लाओ इसी बहाने थोड़ा धर्म कमा ले, जीवन भर जो मांस का हम भक्षण सेवन करते हैं, लेकिन ये राम जी की धर्म पत्नी है, सीता जी जगत की माता हैं, लाओ थोड़ा हम परस्वार्थ कमा ले, यही एक धर्म है। उस गीधराज जटायु ने सोचा इसी बहाने लाओ संसार में थोड़ा नाम हम कमा लें। गीधराज ललकार के बोला अरे रावण रहु रहु दुष्ट ललकार लगाई, रावण ने विचार किया ये कोई ललकार रहा है, कौन है? सुना या तो मैनाक पर्वत होगा, लेकिन थोड़ी देर में गीधराज जटायु अपने विशाल पंखों और चोंचों के साथ में रावण के ऊपर प्रहार करने लगे। आकाश मार्ग में लड़ाई होने लगी रावण की और गीधराज की। क्या किया? चौचन मारी दीदार सीधे ही चौचन मारी दीदार सीधे ही चौचन मारी दीदार सीधे ही अपने विशाल चोंच के द्वारा गीधराज के ऊपर प्रहार करने लगा गीधराज। चौचन मारी दीदार सीधे ही चौचन मारी दीदार जटायु ने अपने पंजों और चोंच के द्वारा रावण के ऊपर विशाल प्रहार करने लगे। इतना प्रहार किया है, इतना प्रहार किया गीधराज जटायु ने कि थोड़ी देर के लिए रावण को मूर्छा आ गई। इतना बलवान, जब मूर्छा आ गई, मूर्छा से जागृत हुआ, जब मूर्छा से जागृत हुआ रावण अपनी चंद्रहास तलवार को निकाल लेता है और तलवार को निकाल करके गीधराज के पंखों को काट देता है। जैसे चलने फिरने के लायक हमको आपको भगवान ने पैर दिए हैं, चाहे इतना तेज भागते हो अगर पैर काट दिए जाए तो कैसे भागोगे, कैसे चल पाओगे? पंछी है अगर उनके पैर जो है पर होते पंख, अगर उनके पंख काट दिए जाएं तो बेचारे कहां चल सकते हैं, कहां उड़ सकते हैं? जब गीधराज जटायु के पंखों को काट दिया रावण ने, खून से लथपथ होकर के बेचारे पृथ्वी पर गिर पड़े, पृथ्वी पर गिर पड़े गीधराज जटायु।
और रावण सीता जी को लेकर के आज लंका को पहुंचा है अशोक वाटिका में, अशोक के नीचे बिठा करके घर चलाया।